विनीता किचन। चलिए आज मैं बनाती हूँ खीर, ऑल टाइम फेवरेट इंडियन स्वीट डिश, जिसे सभी बहुत ही पसंद से खाते हैं और हमारा बड़ा ही ट्रेडिशनल डिश है। कोई भी खुशी का मौका हो, कोई भी सेलिब्रेशंस हो, पूजा त्योहार मौके, हर मौके पे ये खीर बनाया जाता है। तो बड़ा ही सिंपल सा डिश है और बड़ा ही आसान सा है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसे कैसे बनाते हैं। 1.5 लीटर दूध मैंने लिया है एक भगोने में। ये फुल क्रीम मिल्क है। आधा बोल शक्कर लिया है मैंने और ये मैंने आधी कटोरी बासमती चावल, जिसको मैंने आधे घंटे भिगो के रखा था, वो लिया है। और ये कूटी हुई इलायची है। अब कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून घी को लेकर के गरम किया है। अगर घी ना हो तो आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं चावल डाल करके फ्राई करूँगी। चावल को घी में थोड़ा 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है और दूध को बॉईल करने के लिए रख देना है। ये देखिए मेरा दूध जो है वो बॉईल हो गया है। अब मैं चावल को मैंने हल्का भून लिया है तो इसे मैं अब दूध में डाल दूंगी। अब ये चावल को मैं दूध में डाल दूंगी। सारा चावल दूध में डाल करके और इसे खीर को हल्की आंच पे पकाना है। बार बार इसे चलाते रहना है ताकि दूध नीचे भगोने में लग ना जाए। इसे इसी तरह से चलाते हुए हम पकाएंगे जब तक कि दूध काफी गाढ़ा ना हो जाए और एकदम रबड़ी की तरह हो जाए। तो चलिए फिर इसे देखते हैं कितनी देर ये पकता है। थोड़ा टाइम इसे लगेगा पकने में। अब ये कूटी हुई इलायची जो है इसे भी हम दूध में मिक्स कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे गाढ़ा होने के लिए और चावल जब तक पक न जाए तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है चावल जो है पकने लगे हैं, लेकिन अभी ये खीर दूध में बहुत अच्छी तरह से नहीं मिले हैं। अभी ये दूध और चावल जो है दोनों अलग-अलग हैं। इसे इतना गाढ़ा हो जाना चाहिए और एकदम एक मिल करके दोनों एक सार हो जाना चाहिए। तो इसे अभी हम और पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि खीर जो है वो काफी गाढ़ा हो गया है, चावल भी काफी अच्छा से पक गया है, लेकिन इसमें इसे अभी और 10-15 मिनट पकाना होगा। मैंने चीनी अभी तक नहीं डाला है। चीनी में जब खीर पक जाएगा तो उसकी क्वांटिटी देख करके उस हिसाब से हम स्वादानुसार चीनी डालेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसमें मिल्कमेड भी डाल सकते हैं, जिससे वो और क्रीमी और चीनी की ज़रूरत नहीं होगी और क्रीमी टेक्सचर होगा। लेकिन मैं दूध ज़्यादा लेती हूँ और मैं जनरली दूध से ही खीर को गाढ़ा करके और खीर बनाती हूँ। इसे साइड साइड से निकालते रहें, बीच बीच में खूब अच्छे से चलाते रहें ताकि वो नीचे चिपके नहीं। और खीर जो है हमेशा मोटे तले वाले बर्तन में बनानी चाहिए ताकि दूध जले नहीं और नीचे चिपके नहीं। अब आप देख सकते हैं कि ये खीर जो है चावल खूब अच्छी तरह से पक गया है और दूध में मिल गया है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा ऊपर से और दूध मिक्स कर सकते हैं अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और जमा हुआ सा हो रहा है। अब इसमें आप या तो अभी शुगर मिला लें या फिर इसमें मिल्क मेड आप मिला सकते हैं। मैं इसमें अभी शुगर मिलाऊंगी और थोड़ी देर और इसे पकाऊंगी। शुगर आप स्वादानुसार डाल सकते हैं, जितना आपके टेस्ट के हिसाब से आपको लगे कि इतना सही है उस हिसाब से आप शुगर डाल सकते हैं। अब ये खीर जो है वो बन करके तैयार हो गया है। इसे थोड़ा किशमिश से और बारीक कटे हुए आलमंड से मैं गार्निश कर रही हूँ। इसमें आप चाहे तो काजू और पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट्स जितने भी चाहें आप इसमें डाल करके इसे गार्निश करके और इसे सर्व कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि खीर जो है
वो तैयार है और ये दूध का कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा रेडिश सा हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है दूध तो। और चावल के टुकड़े भी जो हैं वो थोड़े टूट टूट से गए हैं, इसमें अच्छी तरह से मिल गया है। इसका मतलब हमारा खीर जो है वो तैयार हो गया है। और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करना चाहें तो गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, और ठंडा करके सर्व करना चाहें तो आप ठंडा भी करके सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।